नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब मंडे के लिए, मंडे कितना तारीख हो रहा है आज, 17 तो 18 19 20 20 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसका सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा बाई सेल लेवल कैसे काम करता है, बाई सेल लेवल कैसे काम करता है और मेरा चार्ट का सेटअप कैसे काम करता है, वो आप लोग ट्रेनिंग के लिए सोच सकता है और वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और मैंने हर रोज़ बाई सेल लेवल्स ऑफ इक्विटी इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स फ्री में बहुत सारा बाई सेल लेवल्स दिखाता हूँ। तो इसमें आप लोग को अभी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को बहुत की सीखने के लिए मिल जाएगा और आप लोग इंडिपेंडेंटली ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकता है। तो आप लोग देख सकता है ये जो बाई सेल लेवल कम स्किनर है इसमें क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन बाई सेल लेवल एंड हाउ टू स्क्रीन इट, इसमें आप लोग ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि आप लोग को पता चल जाएगा इसका इस्तेमाल करके आप लोग कैसे इसका फ़ायदा उठा सकता है, इसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो सकता है कुछ दिन के लिए और ये या आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। आप लोग को लाइव डेमो दिखा दूंगा कैसे ये काम इसमें कैसे काम करता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें डाउनलोड करने का सैंपल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन वो सैंपल फाइल होगा, डाटा अपडेटेड नहीं मिलेगा। तो आप लोग को उधर से देखने के लिए मिल जाएगा कैसे ये काम करता है और भी और आप लोग जो लोग एंजल वर्किंग अस्थाटेड एप स्टॉक्स और एलिस ब्लू में ज्वाइन होना चाहता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। और ये जो मैंने यूट्यूब वीडियो का मेरा जो यूट्यूब वीडियो है और ये जो मैंने वीडियोस इतना सारा यूट्यूब चैनल है और जो मेरा यूट्यूब वीडियो मैंने डालता हूँ ये प्योरली एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज़ है। ये किसी भी आप लोग कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करने का डिसीजन लेने के लिए आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का सलाह जरूर ले लेंगे। और ये जो बाई सेल लेवल कम स्किनर, ये जो चार्ट का एनालिसिस करता हूँ, ये जो चार्ट का सेटअप्स है और इतना सारा जो बाई सेल लेवल्स आप जो को जो लाइव डेमो दिखाता हूँ, ये आप लोग ट्रेनिंग कोर्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। बहुत सारा चीज़ आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा जो आप लोग को लाइफ लॉन्ग बेनिफिट होगा। तो ये आप लोग ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए, इसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, इसमें आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा। तो देखिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करता हूँ, ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया हूँ। तो इधर देखिए एक पॉजिटिव ये बुलिश कैंडल जरूर हुआ है निफ्टी का कैंडल, सॉरी बियरिश जरूर हुआ है, लेकिन इसका ये जो टेल देख रहा है आप लोग, इसका एक सिग्निफिकेंस है, ये लॉन्ग टेल कैंडल है। इसमें इसका मतलब ये है कि इधर बाई का प्रेशर है, सॉरी सेल का प्रेशर था, लेकिन इट हैज़ मैनेज टू क्लोज अपसाइड। ये इसका बाइंग प्रेशर इतना है तो इधर ये ऊपर जाके ये क्लोजिंग दिया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इसका ये और भी थोड़ा सा किसी थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोजिंग देता था तो इसका बुलिश दिखाता था, लेकिन ये बियरिश दिखा रहा है, लेकिन इट हैज़ मैनेज टू क्लोज अपसाइड। तो ये इधर 9324 है, 9191 और इधर 9266 में ये क्लोजिंग दिया है, मतलब इसका हाई का आसपास ही ये क्लोजिंग दिया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और ये जो चैनल आप लोग दिखता है, ये जो चैनल दिखता है आप लोग को, मैंने इसका जो चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये जो चैनल दिखता है, ये जो चैनल दिखता है, ये जो ग्रीन लाइन, ये थोड़ा सा ग्रे कलर का लाइन और ये जो रेड लाइन है, ये जो चैनल है, ये चैनल का डायरेक्शन आप लोग देख सकता है। ये थोड़ा सा इतना दिन तक ये नीचे नीचे ही दिखाता था
आप लोग पिछले वाला वीडियोस देखिए, इसका चैनल का जो डायरेक्शन है ये थोड़ा सा इसका मतलब सेंटर ऑफ सेंटर इसका चेंज हुआ है, सेंटर से ये थोड़ा सा आप अपसाइड में ये घुमा है, तो ये सब इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा अप ट्रेंड ये जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने जो प्रिडिक्ट किया था तो ये वेव करेक्शन दिखा रहा है, मतलब 12,400 से ये जो गिरा है 7,511 तक, और ये 2008 से पांच ट्रेंड में ये पांच वेव में ये इसका अप ट्रेंड गया था, पांच वेव में इसका अप ट्रेंड गया था। मैंने पिछले वाला आप लोग वीडियोस देख लीजिए, और पर्टिकुलरली 27 मार्च का वीडियोस आप लोग देख लीजिए, उधर कैलकुलेट करके मैंने पूरा दिखाया था जो 2008 से ये जो मतलब अप ट्रेंड गया था फाइव वेव में, ये करेक्शन वेव है, ये वेव पे करेक्शन है, ये वेव एक इसका करेक्शन हुआ था, वे डाउन गया था, इसके बाद ये वेव बी चल रहा है, इसके बाद वेव सी आएगा जब इसका मतलब आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एंड इसी का हिसाब से ये साइकिल में चलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। तो इधर जो वेव आप लोग को दिखेगा वेव सी जो आएगा ये जितना था अभी ऊपर जाएगा, ये 9,700 इसके बाद 9,900 मैक्सिमम 10,550 तक जा सकता है। तो इधर जो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब जो लोग सोच रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी हो, इसमें आप लोग थोड़ा सा सावधानी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि इसमें इसका बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि और भी इसका रीज़न होता है कि आप लोग नोटिस करेंगे जब भी कोई कैश सेगमेंट में और फ्यूचर सेगमेंट में इंडेक्स के बारे में तो ये पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप लोग कैश सेगमेंट देखेंगे या फ्यूचर सेगमेंट में देखेंगे, फ्यूचर में बड़ा बड़ा मतलब वॉल्यूम दिखा रहा है लेकिन कैश सेगमेंट में इतना वॉल्यूम नहीं आता है, तो इसका ही सिग्निफिकेंस होता है कि ये इधर ये जो ये है एक ट्रैप है एंड फेक ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट हो रहा है। तो ठीक है, देखिए उसका तो बहुत बाद में डिस्कस करेंगे। तो इधर देखिए फिलहाल जो इसका जो सपोर्ट रजिस्ट्री दिखा रहा है इधर 9,266 में तो ये क्लोजिंग दिया है, इसका जो इमीडिएट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आप लोग को दिखाता हूँ, 9,407 में इसका सपोर्ट 9,407 में इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद 9,595 में रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद जो दिख रहा है इधर से दिखना पड़ेगा ये 9,394 में इसका इसको थोड़ा सा 9,394 में इसका दिख रहा है, और 9,000 उसके बाद 9,300 का 394 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद ये 9,923 तक जा सकता है, और उसके बाद ये जा सकता है 10,553 तक, ठीक है। इसका ये शायद इसका ये है 38.2% लेवल, फिबोनाची का 38.2% लेवल, उधर से रिट्रेस होने का चांसेस ज़्यादा लगता है, हो सकता है वो ब्रेकआउट होकर ऊपर चला जाएगा तो इसका तो अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा ये, लेकिन इधर से रिट्रेस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, पर्टिकुलरली 9,700 का, तो वो भी आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग इसका अंतर जरूर देखिए, और इसका सपोर्ट जो दिख रहा है 9,166 में इसका सपोर्ट दिख रहा है, 9,020 में सपोर्ट दिख रहा है, इसके बाद 8,779 उधर, इसके बाद 8,633 उधर, इसके बाद 8,392, ठीक है। और इसका जो और भी नीचे जो है 8,500 का तो लेवल बोल दिया है, इसके लिए थोड़ा सा चार्ट का छोटा करना पड़ेगा, हाँ 7,517 नहीं, एक्चुअली मैंने एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर पाया, 7,511 होगा, 10-20 पॉइंट आप लोग वापस वापस सकते हैं, इसके बाद 6,180 इसके बाद इसका, तो आप लोग फंडामेंटल भी सोच सकते हैं, इसके बाद 5,483 4,483 इसका बीच में आने का प्रोबेबिलिटी इधर बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, आप लोग फंडामेंटल भी सोच सकते हैं, क्योंकि इधर देखिए कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है, कोरोना वायरस जो अटैक किया है और जो इकोनॉमी जो जो सभी जगह में लॉकडाउन चल रहा है, तो ये जो अभी चल रहा है इसका थोड़ा सा मतलब पीपल थोड़ा सा इंस्पायर हो रहा है, लेकिन मार्केट के लिए ऐसा कुछ खास कुछ मतलब
कुछ गुड न्यूज़ नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए इन द लॉन्ग रन इसका इसका नीचे गिरने का प्रोबेबिलिटी सभी जगह से टेक्निकल एस्पेक्ट से या फंडामेंटल एस्पेक्ट से इसका नीचे बाद में नीचे जाएगा। अभी फिलहाल आप लोग थोड़ा सा बुलिश होके चल सकता है। और इसका जो एंगल आप लोग दिख रहा है, अब इसका जो गन एंगल जो दिख रहा है, इसका जो देखिए इस एंगल में ये सपोर्ट ले रहा है, इस एंगल में, इस एंगल के में ये सपोर्ट लेगा। इस एंगल का जो सपोर्ट है 9000, इसका शायद आज टच किया था 9324। इधर ये जो क्रॉस किया, ये जो एंगल और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका इधर आप लोग देखिए, इधर 9400 में, सॉरी ये 9400 में इसका ये एंगल में इस सपोर्ट ले सकता है। ये 9400 का एंगल ब्रेक करेगा तो इसका नेक्स्ट लेवल आ सकता है, इसका थोड़ा सा अपमूवमेंट आ जाएगा। इसका नेक्स्ट जो एंगल है इसका थोड़ा सा बड़ा एंगल में दिख रहा है, तो ये एंगल आप लोग का बहुत ही 9400 का लेवल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद ये जा सकता है 9600 का लेवल तक जा सकता है, इसके बाद 9600 का लेवल जा सकता है, इसके बाद ये 10000 से 10316 तक इसका एंगल इधर से दिख रहा है। इधर जो एंगल मैंने थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेता हूँ, ये जो एंगल का जो दिख रहा है, इस एंगल में आप लोग का इस एंगल में थोड़ा सा सपोर्ट बैल लेगा। 9000 इधर इधर से दिख रहा है, ये इधर इधर जो एंगल दिख रहा है इस एंगल पे सपोर्ट लेगा, इसके बाद इस एंगल पे सपोर्ट है, इसके बाद इस एंगल पे सपोर्ट है, तो इस कितने दूर तक जाएगा लगता नहीं है। 10000 इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसका इधर ही ये सपोर्ट लेने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। तो ठीक है, बैंक निफ्टी का देखते हैं। इनका चार्ट थोड़ा सा लाभ देता है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, बहुत सारा इंडिकेटर स्ट्रैटेजी और टूल्स रहता है इसमें, एनालिसिस करने के लिए बहुत ही सुविधा होता है। और इधर जो चैनल आप लोग देख सकता है, ये जो चैनल का बात कर रहा था, ये थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा डाउन साइड है, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डाउन साइड में इंक्लाइंड है, तो जितना पहले डाउन साइड था इतना डाउन साइड नहीं है, तो थोड़ा सा डाउन साइड है। तो इधर पहले मैंने इसका जो दिखा देता हूँ सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो इसमें सपोर्ट तो दिख रहा है पूरी 20529 के ऊपर तो एक क्लोजिंग दिया है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, सॉरी इसका रेजिस्टेंस है 20918 तक, उसके बाद ये 21126, उसके बाद 21538, उसके बाद 21930, इसके बाद 22291, उसके बाद ये जो लेवल है इसका कितना दिखा रहा है 22696, ठीक है ये लेवल तक ये जा सकता है। मैंने थोड़ा सा टूल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको ड्रॉ किया है इसका भी मैंने सेटिंग्स किया है, नहीं तो आप लोग जो, इसीलिए थोड़ा सा मैंने बोलता हूँ कि आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए। इसमें जो बाई सेल लेवल्स आप लोग लाइव डेमो देख सकता है, और ये जो चार्ट का सेटअप जो इतने इंडिकेटर इतने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को ट्रेड करने के लिए बहुत ही डिसीजन लेने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। तो ये जो फिबोनाची लेवल आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इधर मैंने कुछ सेटिंग्स कर लिया, तो इसके लिए इसका ऊपर नीचे दोनों साइड में बहुत ही अच्छा लेवल दिखा देता है। और इधर आप लोग सेटिंग्स में जाएंगे तो इधर इसका
उन सब बाद में दिखाऊंगा दोस्तों, ये सब इसके इधर इसमें दिखाऊंगा तो बहुत ही टाइम चला जाएगा। इसमें सभी में एक्टिवेट करना पड़ेगा, रिवर्सल जो है वो भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो आप लोग को ये लेवल दिखेगा। एनीवे तो इसके बाद गान का जो मैंने इसका ले लेता हूँ टूल्स, तो इसका भी एक बार ड्रॉ कर लेता है जैसे। तो इसमें क्या लेवल्स निकल के आता है देखिए, इधर 22,191 में इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद 24,015, उसके बाद 25,799, उसके बाद 28,186 तक ये जा सकता है। प्रोबेबली 25,000 या 819 या 26,000 का जो लेवल है, 26,600 का लेवल जो है, और उसके बाद ये 27,818, ये जो 26,685 लेवल है, इधर से रिट्रेसन का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिखता है। इतना दूर तक जाएगा ये भी डाउट है, ठीक है, देखते हैं कब तक कितना दूर तक जाता है। और नीचे का जो लेवल्स आप लोग को दिखाया, नीचे का लेवल्स इधर से पहले दिखा देता हूँ, नीचे का लेवल्स दिखा देता हूँ। इधर 20,529, उसके बाद 20,024, उसके बाद 19,712, 19,207, 18,895, 18,391, 18,878। इसके बाद जो लेवल है, ये जो लेवल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इधर जो लेवल दिखा रहा है 17,143, ये 17,143 का लेवल इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा। अभी तो फिलहाल ये 20,324 क्रॉस किया है, इसके बाद ये 23,000 का 305 में इसका लेवल है, इसके बाद 26,685 का भी लेवल है। और ये जो आप लोग 22,000 लेवल का आप लोग जो ट्रेनिंग लेंगे, इसके बाद इसमें इंडिकेटर को तो आप लोग दिखा दूंगा, इसका वोलेटिलिटी बेस्ड ये जो इंडिकेटर दिख रहा है इधर, इसको वोलेटिलिटी के साथ लिंक करके भी मैंने लिंक बनाया, और वो जो लाइव मार्केट में कैसे काम करता है आप लोग खुद लाइव डेमो चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोग को इधर सॉफ्टवेयर लेने के लिए बोल सकता हूँ, या मेरा 22,000 लेवल फाइल मैंने सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आप लोग को इतना कम कॉस्ट में आप लोग को इतना सारा चीज़ मिल जाएगा, मतलब आप लोग सीख लेंगे तो वो मेरा तो आप लोग वन टाइम देके फिर बेनिफिट होगा, आप लोग का ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए, इधर से आप लोग लेवल देख सकता है, ठीक है, नीचे का लेवल देख सकता है 16,116 और 11,819, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि इसमें आदमी लोग खुद ट्रेनिंग लेके सीख जाए। मैं कॉल सर्विस के लिए बोल सकता हूँ, मैंने वो भी मैंने बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग जो लोग का टाइम नहीं है वो कॉल सर्विस ले सकता है, या कुछ 22,000 लेवल्स इसको भी मैंने तो एक्चुअली इसमें सॉफ्टवेयर बनाया नहीं हूँ, लेकिन आप लोग इसका आप लोग को फॉर्मूला देके आप लोग को दिखा दे सक मतलब 22,000 लेवल्स आप लोग को साथ शेयर कर दे सकता हूँ फार्मूला देके, लेकिन उसके लिए मेरा जो कीमत होगा और टाइम आप लोग को कुछ देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप लोग को कुछ फ़ायदा नहीं, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग खुद सीख जाएंगे तो आप लोग को फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसमें तो चार्ट का एनालिसिस गया है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देख लूँगा। इसमें ऑप्शन चेन पीसीआर रेशियो है 1.13, इसके बाद पीसीआर रेशियो 1.13, और इधर 9,500 में इसका रेजिस्टेंस पकड़ा हूँ। इधर देखिए बहुत सारा 10,000 में भी है, 9,500 में भी है, इधर 530 में है, इधर 408 में भी बहुत सारा जगह इधर सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस सॉरी हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन इधर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के साथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा। इधर देखिए इस चेन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो इधर आप लोग का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है उधर 9,500 को इसका रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। आप लोग 9,700 भी पकड़ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने नज़दीक वाला जो है इधर देखता हूँ, 10,000 भी पकड़ सकता है, 10,000 में भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन इधर इसके साथ जो मैच कर रहा है पुट साइड का जो 9,900 का और ये जो 1,100 का जो लेवल है 9,000 का लेवल, इसका इसके साथ नज़दीक रहता है, तो इसीलिए इधर भी आप लोग देख सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट मानता है,
तो इधर देखिए, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। पीसीआर रेशियो इधर गिरा है और इधर कॉल साइड में आईवी बढ़ गया है, पुट साइड से आईवी बढ़ गया है। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है, ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है। तो और इधर बैंक निफ्टी का देख रहता है, बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 1.31 मैंने लिखा था, इसे रेशियो कैलकुलेट करके रखा था। इधर 1.318 मतलब 1.32 ऐसा है। और इधर इधर 22,000 में मैंने रेजिस्टेंस पकड़ा हूँ। इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर दिख रहा है इधर। और इस कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर 19,000 में दिख रहा है। 19,000 में इसका कंपेयर्स जो इधर देखिए, इधर 204 है, तो इधर नज़दीक जो है इधर जो 19,000 में दिखाई दे रहा है तो कितना, हाँ 19,000 में 186 तो इधर दिख रहा है। तो इधर पुट साइड में इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो मतलब इधर दोनों एक इधर लॉन्ग बिल्डअप और इधर शॉर्ट बिल्डअप का मतलब ये है। और रेजिस्टेंस में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उधर, इधर आप लोग को शॉर्ट दिख रहा है लेकिन इधर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है सभी जगह में आप लोग को लॉन्ग बिल्डअप दिखाई देगा। तो इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप दे रहा है, ये बहुत ही फेवरेबल है, ऊपर जाने का बहुत ही फेवरेबल है। अच्छा, तो मैंने इस प्रोबेबिलिटी को मैंने देखता हूँ, प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस करके देखता हूँ। एक मिनट, ये प्रोबेबिलिटी का जो दिख रहा है देखिए, करंट मार्केट प्राइस घुसा है और कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इधर जो कॉल एट द मनी में जो कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, ये मैंने बैठा दिया कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है एट द मनी में। और इधर जो सिक्स डेज को एक्सपायरी है तो उसके बाद 9,000 में इसका सपोर्ट है और 9,500 में रेजिस्टेंस है। तो 9,000 के आसपास जाने का स्लाइडली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसका 8,900 कर दूंगा तो इसका प्रोबेबिलिटी का एक मिनट, इसका इफेक्ट लेने के लिए थोड़ा सा देर होता है ना, बड़ा फाइल है तो इसमें प्रोसेसिंग होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए इधर जब 8,900 या 8,800 कर देता हूँ तो इसका प्रॉबिटी कम जाता है, ठीक है। और इधर इसका 9,700 भी कर दूंगा तो इसका अप साइड में ही दिखेगा। देखिए अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, इधर जब 9,700 भी कर दिया, इधर जब 8,800 कर दिया तो देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड में ही दिखता है, ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखा रहा है 9,500 का लेवल में, ये सपोर्ट डिस्टेंस देखें। लेकिन इसका आप लोग को देखना पड़ेगा, फिर से आप लोग को मार्केट ओपन होने के बाद देखना पड़ेगा और उसके बाद सोमवार को देखना पड़ेगा तो कैसे इसका हो सकता है। और इधर जो है ये तो अप ट्रेंड 22,000 में भी इसका अप ट्रेंड दिखा रहा है बैंक निफ्टी, और 19,000 इसका 19,000 में इसका जो है ये प्रायोरिटी बहुत ही नीचे दिखा रहा है। तो ये गया प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मैंने कुछ आप दिखाऊंगा इसका 360 के एनालिसिस में। देखिए इधर 9,200 के ऊपर ये 9,324 का गया था, मतलब 180 डिग्री के आसपास ये गया था, लेकिन इसका ये सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा नीचे आ गया था, 9,000 का आसपास आ गया था। उसके बाद फिर से ये रिट्रेस किया और रिट्रेस करके 9,261 में ये क्लोजिंग दिया है। तो ये साइकिल मेरा लगता है कंप्लीट करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है 9,764, इसीलिए मैंने बोला था 9,764 इसका लेवल, 9,700 का लेवल आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और इधर 20,800 तो आज ही आ गया था, 20,950 तक इसका साइकिल कंप्लीट होगा, उसके बाद ये 22,000 तक जा सका है, 23,000 इसके इसे ऐसे करके ये चलेगा, ऐसे करके इसका मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसका तो दिखा दिया, उसके बाद कुछ लेवल्स देखते हैं आप लोग का।
लेवल्स देखते आप लोग का कुछ एनालिसिस करने का सम एनालिसिस करूँगा। तो जो मैंने बाई सेल लेवल्स दिखाऊंगा उस टाइम बहुत सारा लेवल्स आप लोग को दिखाऊंगा। फिलहाल जो एनालिसिस करने के लिए जो लेवल्स का ज़रूरत होता है तो वो आप लोग को दिखा देता हूँ। तो इधर देखिए ये 180 का लेवल एंगल पे है, ठीक है, और ये 100 का एंगल पे है। तो इधर 3 आवर्स टू गो और 3 आवर्स में इसका लास्ट सेशन में 3 आवर्स मतलब नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद 12:15 बजे के बाद बड़ा चेंज कुछ दिख सकता है। और ये 1.67 ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ये टाइम पर स्क्वायर है। एनीवे तो इधर देखिए, इधर जो 9204 इधर 9318 का ऊपर इसका ये जाएगा तो इसका ये अप ट्रेंड दिखेगा आप लोग को। 9318 के ऊपर ये 9391 ये ऐसे लेवल पे चल सकता है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसका अप ट्रेंड में चालू होने जारी रखने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है। और इधर 9090 का जो लेवल, सॉरी इधर 9207 का लेवल इसका दिख रहा है, ठीक है, 9207 में इसका से ये डाउन ट्रेंड दिखता है, ठीक है, 9207 से इसका डाउन ट्रेंड दिखता है। तो पॉइंट कितना दूर है, ये 9066 में क्लोजिंग दिया है। तो इधर 4482 का लेवल दिखता है और ये भी कुछ मतलब 50-50 चांस है, ये 9207 में इसका लेवल दिखा रहा है। तो इधर ये 9207 में इसका कंप्लीट होगा तो 8391 तक अभी आ सकता है, 91 तक इसका सेकंड साइकिल में इसका इस लेवल पे पकड़ के चल सकता है। और थर्ड साइकिल में ये अपसाइड डाउन साइड आप दोनों दिख रहे हैं, ये अपसाइड है ये डाउन साइड है, मैंने फिर से दिखा दूंगा जब बाई सेल लेवल्स दिखाऊंगा। और ये अपसाइड ये 45 डिग्री से ये 2+45 डिग्री ये डाउन साइड का लेवल्स है, ये इतना तक ये आ सकता है। और जो लेवल्स आप लोग को दिखाना है इसमें है उसको तो बाद में दिखाऊंगा, और इसका और रात में आप लोग को वो सब लेवल दिखा दूंगा। और इधर से जो लेवल्स है उसको दिखा देता हूँ, रात में मतलब कल भी दे सकता हूँ एक्चुअली, जो मतलब बाई सेल लेवल का जो अलग से वीडियो बनाता हूँ उसका। तो इधर देखिए फिबोनाची का जो टू रेंज होता है, ठीक है, फिबोनाची का जो टू रेंज होता है ये दिखा रहा है 9344 का ऊपर, ये टू रेंज का बेस फिबोनाची लेवल है। और टू रेंज का जो मतलब होता है तो मैंने पहले बात बोला था आप लोग को, ट्रेनिंग सेशन में भी बोलूँगा। और इधर 9187 के नीचे सेल बनेगा, ठीक है, इधर फिबोनाची का ATR का जो लेवल है ये 2-7 ये ज़रूरत नहीं है। और ATR 14 एक्चुअली जो ATR का कैलकुलेशन होता है, ये बाई का एंट्री लेवल बनेगा 9359 पे और सेल का एंट्री लेवल बनेगा 9172 पे। तो मतलब मैंने दिखाता हूँ कि ऐसे करके मतलब इसका मूवमेंट कैसे हो सकता है, इसी यही मेरा मोटो है आप लोग को ये लेवल दिखाने का। तो इधर देखिए 9 डिग्री बेस्ट ऑन टू रेंज ये 9272 के ऊपर ऐसे चल सकता है, और इधर 9259 के नीचे ये नीचे आ सकता है टू रेंज का हिसाब से। और ATR 14 मतलब जो एक्चुअल ATR है, और वो तो डेली बेसिस पे है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो मैंने इंटरडे कर लूँगा तो इसीलिए मैंने वो लेवल टू रेंज वन बनाया था। तो इधर 9274 के, सॉरी ये तो ATR का लेवल दिखाया, और इसका गन एंगल्स का दिखाना पड़ेगा, गन एंगल्स का जो लेवल है ये 9286 के ऊपर है, ठीक है, 9286 के ऊपर लेवल बनेगा। और इधर लेवल बनेगा मतलब ये नहीं है कि वो पूरा अपट्रेंड हो जाएगा, इसका लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है। और इसका नीचे 9245 के नीचे इस लेवल पकड़ के ये नीचे का आ सकता है। तो एक लेवल का जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है इसका फिर से अपडेट करना पड़ता है। ये गनबेस्ट ATR 14 का लेवल है, और जो लोग इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से कर सकता है, इसका 7 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से आप लोग देख सकता है, इसके बाद 15 डेज का हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से लेवल नोट कर सकता है। और ये जो इंडिया विक्स का मैंने अपडेट नहीं किया, एनीवे और बाद में अपडेट कर लूँगा। और इसके बाद ये 30 डेज का हिसाब से भी आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकता है, और जो लोग इंटरडे कर सकता है ये 1 डे का हिसाब से ही है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से ही है लेवल्स है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, फिर से मैंने आप लोग को दिखाऊंगा जो बाई सेल लेवल,
तब तक के लिए धन्यवाद।